Assalamualaikum, my name is Hina. आज मैं बनाऊंगी सिंगापुरियन राइस और इसके 6 स्टेप्स होते हैं. तो नंबर 1 स्टेप से शुरू करते हैं. तो बनाना शुरू करते हैं. आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सॉस तैयार कर लेते हैं. सॉस बनाने के लिए हमने लेनी है टमाटो केचप हाफ प्याली और गार्लिक सॉस लेनी हाफ प्याली और मायनीज लेनी है एक प्याली. तो सॉस बनाने के लिए हमने एक बाउल लेंगे और इसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे. सबसे पहले केचप ऐड कर लेते हैं. केचप में हम ऐड करेंगे गार्लिक सॉस, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे. और अब इसमें मायनीज ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे. अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है. जी, सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है. तो इसको हम किसी भी इस तरह के शॉपर में डालेंगे जो मजबूत हो. और यहाँ से आगे से कट करना होता है. तो अभी तो मैं कट नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसमें डालूँगी सॉस को. यहाँ से आगे से हमने कट करना होता है कैंची से. तो अभी मैं कट नहीं कर रही, अभी मैं इसको रख दूंगी. और जितना ये यूज़ होगा बाकी हम जो है वो सर्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. इसको हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और आगे से कटिंग करते हैं. और जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग चाहते हैं सिंगापुरियन राइस में, उसी तरह की आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. तो अभी मैं कटिंग नहीं कर रही, ये तो फर्स्ट स्टेप है. तो हम सिंगापुरियन राइस के पहले इन्ग्रीडियंट्स तैयार करेंगे, जो उसके स्टेप्स हैं पहले वो तैयार करेंगे. और उसके बाद फिर जो है इसका नंबर सबसे आखिर में आएगा. ये स्टेप 1 था. और अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर. स्टेप 2 के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं सबसे पहले वो देखते हैं. चिकन बनाने के लिए हमने चिकन को इस तरह से लंबा लंबा कटिंग कर लिया है. और इसी तरह से हमने जो वेजिटेबल्स इसमें डालनी है वो लंबी लंबी कटिंग करनी है. टमाटो केचप ऐड होगी इसमें 3 टीस्पून, गार्लिक सॉस ऐड होगी 3 टीस्पून, इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून साल्ट और 2 टीस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट, जिसमें से 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 2 हरी मिर्चों का पेस्ट है. मिर्च अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना नहीं पसंद करते तो 1 मिर्च का पेस्ट बना लें. इसके अलावा आप इसमें ये तीनों डालेंगे, चिली सॉस 2 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून और विनेगर यानी सिरका 2 टीस्पून. तो ये इंग्रेडिएंट्स स्टेप 2 में हैं. स्टेप 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लहसुन अदरक को सौते करना है, यानी गार्लिक और जिंजर को हम सौते करेंगे और ग्रीन चिली पेस्ट. जब लहसुन अदरक सौते हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे. और चिकन इसमें कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है, हल्का सा इसको कुक करना है. उसके बाद हम इसको 5 मिनट जो है वो दम पे रख देंगे. और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी यानी गल जाएगी, बिल्कुल इस तरह से गले के टूटे भी ना बोटी और इसी तरह से लंबी लंबी रहें और पक भी जाए अंदर तक, फिर हम इसमें ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स मसाला जात वगैरह ऐड करेंगे. तो बनाना स्टार्ट करते हैं. लहसुन अदरक को सौते करते हैं. पैन लेंगे और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है. इसमें इसको अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है. इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल. ऑयल को करेंगे गरम. जब ये गरम हो जाएगा तो गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली पेस्ट को सौते करेंगे. जी, ऑयल जो है वो गरम हो चुका है. तो जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं. गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको हम सौते करेंगे. जी, गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को मैंने सौते कर लिया है. तो अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे.
और चिकन को कलर चेंज होने तक हल्का सा कुक करेंगे। जी चिकन का कलर पिंक से वाइट कलर का हो गया है, तो इसको मैं कवर कर रही हूँ और इसको हमने 10 मिनट भाप में बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो बनाना है। 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को, ये गल चुकी है, तो इसमें मसाला जार ऐड करेंगे और स्पेक्टी का मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टी। तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी मसाला जात को मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून चिली सॉस, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून विनेगर यानी सिरका मिक्स करेंगे। जी मिक्स कर लिया है, तो इसमें ऐड करते हैं टमाटो केचप और गार्लिक सॉस। टमाटो केचप और गार्लिक सॉस को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जी टमाटो केचप और गार्लिक जो सॉस है इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो फ्लेम को ऑफ करते हैं। हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जी स्टेप 3 के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। गाजर मैंने इस तरह से लंबी लंबी कटिंग कर ली है और मैंने 3 से 4 गाजरें ली हैं, और एक शिमला मिर्च कटिंग कर ली है इस तरह से, और कुछ इस तरह से चॉपर कटिंग कर ली है। इसके अलावा हमने लिए हैं बंद गोभी, मैंने इस तरह से लंबी लंबी कटिंग कर ली है और बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की है। वेजिटेबल्स बनाने के लिए भी हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, और इसमें भी 2 हरी मिर्चों का पेस्ट है। अगर आप चाहें थोड़ी कम मिर्च खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम ऐड कर सकते हैं, 1 ग्रीन चिली ऐड कर लें। मैंने 2 ग्रीन चिली पेस्ट ऐड की हैं, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साल्ट है, इसके अलावा 1 प्याज कटिंग किया है और हरी प्याज है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम वेजिटेबल्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को सौते करना है, तो स्टार्ट करते हैं। जी एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, पैन को हमने वॉश किया हुआ है, ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अनियन ऐड करते हैं और अनियन को सौते करेंगे। जी अनियन को मैंने सौते कर लिया है, तो गार्लिक और जिंजर पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे और सौते करेंगे। जी गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट को मैंने सौते कर लिया है और ग्रीन चिली पेस्ट को अब इसमें ऐड करेंगे। हरी प्याज ऐड करेंगे और इसको भी हमने सौते करना है। जी हरी प्याज को मैंने सौते कर लिया है, तो इसमें ऐड करते हैं गाजर, और गाजरों को हम सौते करेंगे। 3 से 4 मैंने गाजरें कटिंग की थी। जी गाजरों को मैंने 2 से 3 मिनट सौते कर लिया है, तो इसमें हम गोभी ऐड करते हैं। गोभी भी मैंने 1 ली थी और गोभी को भी हल्का सा 1 मिनट सौते करेंगे। जी गोभी को भी मैंने 1 मिनट सौते कर लिया है, तो शिमला मिर्च ऐड करते हैं और शिमला मिर्च को हल्का सा सौते करेंगे 1/2 मिनट। शिमला मिर्च के साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर और साल्ट भी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। जी शिमला मिर्च को भी हमने सौते कर लिया है, तो बिल्कुल 1/2 मिनट हमने सौते किया है शिमला मिर्च को। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप 4 पर। जी स्टेप 4 में हमने स्पेक्टी को बॉयल करना है, और इसके लिए मैंने पानी जो है वो चूल्हे पर रख दिया है। हम डालेंगे 1 स्पेक्टी का पैकेट, और स्पेक्टी ऐसी होती है, आपको दिखा देती हूँ। आपने वो जो पास्ता होता है वो नहीं ऐड करना, सिंगापुरियन राइस में स्पेक्टी यूज़ होती है, यानी ये लंबी लंबी सी सवैयाँ जैसे होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे सवैयाँ होती हैं बिल्कुल वैसी होती हैं ये। तो ये पूरा पैकेट इसमें ऐड होगा, इसको हमने बॉयल करना है, और बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है, और पानी में हमने क्या ऐड करना है, 2 टीस्पून ऑयल ऐड करना है और 1 टीस्पून साल्ट ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं पानी में नमक और ऑयल, और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर स्पेक्टी ऐड करेंगे। जी स्पेक्टी के लिए जो मैंने पानी रखा है इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे।
ये पानी जब खौल जाएगा तो फिर हम इसमें स्पेक्टी ऐड करेंगे और स्पेक्टी को बॉयल कर लेंगे। स्पेक्टी को मैंने इस तरह से तीन हिस्सों में डिवाइड करके तोड़ लिया है, क्योंकि फिर खाने में जो है वो आसानी होती है, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो खाने में थोड़ी आसानी होती है। आप चाहें तो ना भी तोड़ें, लेकिन मैंने इस तरह से इसको तीन हिस्सों में, मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड करके इसको मैंने तोड़ लिया है। स्पेक्टी का जो पानी मैंने रखा था वो खोल चुका है, तो स्पेक्टी ऐड करते हैं। इसको हमने बॉयल करना है कम से कम 15 मिनट, और अगर आपने ज़्यादा बॉयल कर लिया तो ये एकदम से टूट भी जाती है, यानी ख़राब सी हो जाती है। अगर ज़्यादा बॉयल कर लें तो ख़राब सी हो जाती है, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने बॉयल करना है। जी 15 मिनट हो चुके हैं। स्पेक्टी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह की आपने जो है वो फुल बॉयल करनी है। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और मैं स्पेक्टी को निकाल लूंगी। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी इसलिए डाला जाता है ताकि स्पेक्टी जो है वो आपस में चिपके ना। तकरीबन आधा जग मैंने इसमें पानी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से आपने छन्ने में डाल देनी है, और छन्ने में डालने से होता ये है जो जितना भी जो पानी होगा वो निकल जाएगा, तो स्पेक्टी जो है वो छन्नी में आ जाएगी और पानी जो है वो बिल्कुल निचट जाएगा। जी ये जो स्पेक्टी है इसमें हम पानी भी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकने ना पाए, तो पानी ऐड इसलिए किया जाता है। और इसको इसी तरह से छन्ने में थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे। जी स्टेप 5 की तरफ आते हैं हम। स्टेप 5 में हमने क्या करना है, ऑयल लेंगे 2 टीस्पून, साल्ट लेंगे 1 टीस्पून, और 2 ग्लास चावल है जिसको मैंने भिगो दिया है, और ये वाला ग्लास चावल है। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा ग्लास हो तो फिर आप चिकन जो है वो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मेरे पास 600 ग्राम चिकन है, उस लिहाज से ये वाले 2 ग्लास मैं चावल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा ग्लास है और वो 2 ग्लास चावल हैं तो फिर आप चिकन जो है वो 1000 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो चावलों को मैंने भिगो दिया है, असली वाला बासमती चावल है जिसको मैंने कम से कम 15 मिनट जो है वो भिगोना है, और इसका ये इसके लिए मैंने पानी जो है वो रख दिया है चूल्हे पर। जब पानी खोलेगा तो उसमें हम चावल ऐड करेंगे, और जो पानी मैंने रखा है उसमें हम ऑयल और नमक ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा है इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट और 2 टीस्पून ऑयल, जैसे कि हमने स्पेक्टी में यूज़ किया था, 2 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक। ये जब पानी खोल जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। जी चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा था वो खोल चुका है, तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। जी चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, चावलों को हम बॉयल करेंगे, और इसको भी 10 से 15 मिनट लगते हैं। बिल्कुल इसमें ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं घुमाना, हल्का सामने चम्मच घुमा दिया है, और ये जब बॉयल हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी हमने स्पेक्टी की तरह ही छन्ने से निकालना है, तो आप स्ट्रेनर से कर सकते हैं या फिर आप जो है इस तरह से छन्नी रख के छान सकते हैं ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे चावलों में। जी चावल जो है वो फुल बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पानी ऐड करना है ताकि चावल जो है वो बिल्कुल भी ना टूटने ना पाए, और इसमें बिल्कुल भी जो है वो आपस में चिपके भी ना। फ्लेम को ऑफ करते हैं। आधा जग इसमें भी पानी ऐड किया है, इसको भी हम निकाल लेंगे छन्ने की मदद से इस तरह से। जी इस तरह से आपने छन्नी में डालना है, और ये नीचे जो देगची है उसमें पानी खुद ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखें नीचे पानी जो है वो देगची में खुद ही आ जाएगा। चावल देखें कितने लंबे लंबे जो हैं ये तैयार हुए हैं, तो इसी तरह से आपने बॉयल करने हैं। जी तो अब आती है तह लगाने की बात कि हम सिंगापुरी राइस को डेकोरेट किस तरह से करेंगे। तो चावल आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, देगची में जो नीचे पानी है वो नीचे जाता जाएगा, और बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा चावलों में। और इसी तरह से आपने
तैयार करना है और बहुत ही ज़बरदस्त जो चावल हैं वो खिल खिल कर सामने आते हैं। तो हम तह लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहली तह जो लगती है वो लगती है राइस की, यानी चावलों की, और बहुत ज़्यादा गर्म है चावल। मैंने सालन को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, चावल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। हर जगह हमने सही से स्प्रेड कर देना है, यानी फैला देना है। हमने दूसरी डिश में भी स्प्रेड कर देने हैं, यानी फैला देने हैं। और इस तरह की मैंने डिशेस इसलिए ली हैं ताकि हर स्टेप हमें नज़र आए कि पहले राइस की तह लगी और फिर जो है सिंगापुरियन राइस के लिए फिर स्पैगेटी की तह, और फिर बारी बारी वेजिटेबल्स की तह, और फिर चिकन की तह। तो इसी तरह से हमने दूसरी डिश पर भी जो है वो स्प्रेड कर देना है। आप देख सकते हैं प्लेट में बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी जो है वो नहीं है। तो आपने इसी तरह से जो है वो तमाम चीज़ों को बनाना है ताकि बिल्कुल भी ना चावलों में पानी रहे और ना ही स्पैगेटी में। तो अब हम लगाएंगे वेजिटेबल्स की तह। जी अब बारी आती है सालन की, जो हमने चिकन बनाया है इसको हमने स्प्रेड करना है, यानी इसको भी इसी तरह से फैलाना है। इसी तरह से दूसरी डिश पर भी हम फैला देंगे। जी डिशेस को मैंने सजा लिया है। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप सिक्स जो है वो है तड़का लगाना। तड़का हम लगाएंगे, ये जो हरी मिर्च होती है इसको हमने इस तरह से लंबी लंबी काट लिया है इसको भी, और लहसुन लिया है थोड़ा सा 3 से 4 जो है, और 2 हरी मिर्चें साबुत ली हैं लेकिन बीच में से इस तरह से कट लगा दिया है। इन 3 चीज़ों का हमने भगाड़ लगाना है, तो भगाड़ लगाते हैं। जी बघार लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल को करेंगे गरम, पैन को हमने वॉश किया हुआ है। जी ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करते हैं लहसुन, और लहसुन को करेंगे सौते। जी गार्लिक को मैंने सौते कर लिया है, तो इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और सौते करेंगे। बघार लगाएंगे, जी बघाड़ लगा दिया है, और अब जो मैंने पैकेट में डाली थी चटनी, इस पर हम कट लगाएंगे हल्का सा, जितना के जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाना है तो हम यहाँ से कट लगा लेंगे इस तरफ से। अगर आप थोड़ी बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बड़ा कट लगा लें, और अगर छोटा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो छोटा कट लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाते हैं।
जी मैंने डेकोरेट कर लिया है और साथ में अलग से चटनी भी है, साथ में जो जिस तरह से पसंद करता है वो खा सकता है, तो अलग से चटनी भी रख दी है और दो डिशेस तैयार हुई हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंगापुरियन राइस बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ये ज़बरदस्त सी और यूनिक रेसिपी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।